कनाडा विवाद को लेकर एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया। कनाडा में भारतीय दूतावास असुरक्षित है, यह जयशंकर की तरफ से कहा गया। भारतीय दूतावास पर हो रहे हमले, भारतीय दूतावास को सुरक्षा दे कनाडा सरकार, एस जयशंकर की तरफ से यह बात कही गई है। हमारे कॉन्सुलेट जो हैं वहाँ वो एक किस्म से उन पे ये दबाव है, उनके खिलाफ जो है हिंसा का प्रचार कर हो रहा है, तो उनकी जो नॉर्मल जो एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो इस माहौल में जो जब जब ये साफ दिखाई देता है कि सुरक्षा का एक किस्म से विषय, तो ये वो कैसे जो हैं वीज़ा का काम या ऑफिस जाने का काम या जो उनकी जो जिम्मेवारियां जो हैं उसको वो कैसे निभाएं इस माहौल में, ये विषय तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला विषय नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर वाला विषय। ये वियना कन्वेंशन के तहत जो भी हर देश जो है उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो वहाँ जो राजदूत और राजदूतावास में जो काम करते हैं कि उनको काम करने के लिए सुविधा दिया जाए और सुरक्षा दिया जाए। वॉशिंगटन में भारत और कनाडा के बीच विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से पत्रकारों ने सवाल किया और इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने आरोप शब्द का इस्तेमाल किया है, इसको लेकर पहले ही जवाब दे चुका हूँ। हमने हमेशा कहा है कि अगर कोई जानकारी है तो बताएं, हम उसे देखने के लिए तैयार हैं। We've always said that look, if there is information, let us know. So, our doors, I want to make one thing very clear. It's not that our doors are shut to looking at something. If there is a requirement for us to look at something, we are open to looking at it. But, I then expect, somewhere, some pointer, something for me to look at. वहीं इस मामले को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इतना कहा कि कनाडा और भारत इस मामले को सुलझाने के लिए मिलकर काम करेंगे। Hope that our friends in both Canada and India will work together to resolve this matter.